गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन द चैप्टर ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर यू हैव टॉक्ड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। आपने देखा कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के द्वारा किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्या पोजिशंस होती हैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की। नाउ स्टूडेंट्स, इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रूल्स फॉर रे डायग्राम बाय स्फेरिकल लेंसेज। फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में, या हम बात करें मिरर के केस में, अगर आपने रूल्स के बारे में पढ़ा था, देर आर फोर रूल्स फॉर रे डायग्राम, बट इन द केस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज देर आर ओनली थ्री रूल्स। केवल और केवल आपको यहाँ पे थ्री रूल्स के बारे में ही पढ़ना है, जिनको यूज करके हम कॉन्वेक्स लेंस सॉरी स्फेरिकल लेंसेज के द्वारा वो इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं या रे डायग्राम बना सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट रूल इज अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू इट्स प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड इट इज अपीयर टू डायरेक्टेड प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस। फ्रेंड्स, पहला रूल आपका क्या है? फर्स्ट रूल स्फेरिकल लेंस के केस में, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, then after refraction it will pass through the principal focus of convex lens, ठीक है, और अगर concave lens है तो refraction के बाद it will directed towards the principal focus of the concave lens। Friends, आप यहाँ पर देख सकते हैं F1 F2 से जाती हुई ये light, तो अगर हम बात करें this is the principal axis and a parallel light ray, this ये एक parallel light है जो जा रही है, देन आफ्टर जैसे ये लेंस से टकराती है, ठीक है, लेंस के अंदर इंटर करती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहाँ से होकर के जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और अगर कॉन्केव लेंस है, देन दिस पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन विल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द towards the principal focus of the concave। समझ में आई बात बच्चों? अगर parallel आ रही है, then after refraction it will pass through the principal focus of the convex lens and directed towards the principal focus of the concave lens। Now the second rule आपका क्या है? A light ray passing through the principal focus will parallel to the principal axis in the case of convex lens and a ray of light which is appear to directed principal focus of concave lens will parallel after refraction। Friend, दूसरे रूल में क्या है? अगर कोई लाइट रे convex lens के principal focus से जा रही है, then after refraction it will pass parallel to the principal axis, ठीक है। अगर वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जा रही है, किसके? कॉन्वेक्स लेंस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी एंड अ लाइट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल। ओके, अगर कोई लाइट रे कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल फोकस की ओर डायरेक्टेड है या प्रिंसिपल फोकस की ओर जाते हुए दिखाई देगी, ठीक है, तो उस समय वो लाइट रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये एक लाइट रे है जो कॉन्वेक्स लेंस के कहां से होकर के जा रही है? प्रिंसिपल फोकस F1 से होकर के जा रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पैरेलल, देखिए क्या हो जा रहे, ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। दिस इज द सेकेंड रूल फॉर स्फेरिकल लेंसेज। यही सेम चीज आप देख रहे हैं, ये एक लाइट रे है, दिस इज अ लाइट रे विच इज डायरेक्टेड कहाँ पर? टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। ये एक लाइट रे है जो कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल फोकस की ओर डायरेक्टेड है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगी? इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो दिस इज द सेकेंड रूल। पहला रूल क्या है? इफ अ लाइट रे इज
parallel to the principal axis, then after refraction it will pass through the principal focus, or it will be directed towards the principal of the concave lens. और दूसरा रूल क्या है, इफ अ लाइट रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आर अ लाइट रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, ये दो रूल है. थर्ड एंड लास्ट रूल, तो तीसरा रूल आप देख सकते हैं क्या है, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर कॉन्केव लेंस will emerge without any deviation. And third rule में क्या है, अगर कोई light ray चाहे वो concave lens है या convex lens है उसके optical center से होकर के जा रही है then it will pass without any deviation. ठीक है, तो वो उस समय क्या होगी, बिना deviation के, बिना विचलन के, बिना bending के straight निकल जाए. मेरी बात समझ में आ रही है? Third rule क्या कह रहा है, अगर कोई light ray ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, स्फेरिकल लेंस चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, उसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है देन इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन. फ्रेंड्स क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल लेंस हुज ऑप्टिकल डेंसिटी इज वेरी लेस. उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ही लेस होती है जिससे यहाँ पर जो लाइट होती है उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसकी वजह से ये विदाउट डेविएशन आगे निकल जाता है. ओके, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज द इंसिडेंट लाइट. ये एक इंसिडेंट लाइट है जो कहाँ से होकर के जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, देन इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन. आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधे निकल जा रहे हैं. सेम एज ये इंसिडेंट रे द केस ऑफ कॉन्केव लेंस, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्केव लेंस, ठीक है, इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्केव लेंस, देन इट विल पास विदाउट एनी डेविएशन. ये बिना डेविएशन के क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी. तो दिस इज द थर्ड एंड लास्ट रूल. बच्चों मिरर के केस में आपने फोर रूल पढ़ा था, फोर को यूज किया था, यहाँ पर लेंस के केस में आपको केवल और केवल तीन ही रूल पढ़ने हैं, और इन्हीं तीन में से दो रूल को यूज करके आप लेंस के द्वारा रे डायग्राम बना सकते हैं. लेट्स रिकॉल वंस अगेन. फर्स्ट रूल, इफ अ लाइट रे इज पासिंग थ्रू द इफ अ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस. सेकेंड रूल, इफ अ लाइट रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आर अ लाइट रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस then after refraction it will parallel to the principal axis. Tisra rule hai, if a light ray is passing through the optical center of a spherical lens then it will pass without any deviation. ye teenon rule students aap lens ke case mein ko learn kar lijiye, aur iske dwara aap kya kar sakte hain, image formation aasani se kar sakte hain, ray diagram aasani se bana sakte hain. bina in rules ke jankari ke aap करेक्ट या एग्जैक्ट रे डायग्राम नहीं बना, इसलिए फ्रेंड आई होप कि आप इसको लर्न कर लेंगे. नाउ सम क्वेश्चंस आर हेयर ऑन द बेसिस ऑफ दिस. व्हाट वुड बी द पोजीशन, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस. फ्रेंड्स उन्हीं रूल्स को रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर दिया है, जब लाइट पैरेलल जाती है, जब लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है, और जब लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर सेम एज यही क्वेश्चन इस बार किसके लिए, वुड बी पोजिशन लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय कॉन्केव लेंस. यहाँ पर कॉन्केव लेंस के द्वारा जब पैरेलल जाती है, जब प्रिंसिपल फोकस की ओर जाती है, और जब ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा तो कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है. अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी बाई पोस्टिंग कमेंट. थैंक यू, हैव अ नाइस.